थैंक यू भैया। भैया ऐसी सिचुएशन में हीरोइन हीरो को कभी भैया बोलती है क्या? अरे सेकंड हीरो को भी भैया नहीं बोलती। सॉरी भैया। अरे ये भैया भैया करके। ओके बहन, सिस्टर तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो मैं? नहीं है भैया, एक एक के दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड्स हैं। एची जा 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 भाग। हर एक बंदा रिलेशनशिप में है और पता नहीं मेरे नसीब में एक लड़की नहीं है। तीन दिन से देख रही हूँ ये इंसान घर के बाहर जाता ही नहीं, पिक्चर देखता रहता है बस। हेलो राइटर साहब उठिए जरा। छी तेरी कोई जिंदगी है क्या? तेरे पास ना तो शर्म है, हया है, ना ही मोहब्बत है और ना ही फिल्में। बात कर मुझसे। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कि भूत देख लिया? ये लो चाय। दादी चॉकलेट। बेटी को चॉकलेट भी नहीं दिला सकते हो? कैसे पिता हो? पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? क्यों किया? क्या मैं आपसे बात नहीं करती? आएगा आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आना तो पड़ेगा ही उसको। hey! आज मैं तुझे छोड़ू ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? मकान दो तो भगवान, रेंट मांगो तो शैतान दिखता है। दिखाता हूँ आज तेरी। God bless you. सर, इन अनाथ बच्चों को आप इतना प्यार देते हैं, इनका इतना ख्याल रखते हैं, आप बहुत महान इंसान हैं। मुझे इतना महान मत बनाइए, भगवान जो मुझे दे रहा है उसमें से मैं इनको क्या दे रहा हूँ? मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं समझता हूँ कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। कितने सारे करोड़पति हैं, लेकिन वो आपकी तरह तो नहीं सोचते। क्या करेंगे करोड़ों का, आखिरकार तो सभी लोगों को एक ही जगह जाना है, उसके दरबार में। नाम है धन लक्ष्मी, लेकिन धन बिल्कुल भी नहीं है। दुर्भाग्य लक्ष्मी नाम होना चाहिए, तभी सही होता। इंसान को पैदा होना हो तो हाई क्लास या तो लोअर क्लास में होना चाहिए। अगर मिडिल क्लास में पैदा होंगे ना तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो छोड़ो, एंड कार्ड भी नहीं रहेगा। जिस उम्र में सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए उस उम्र में लोग शादी करवा देते हैं, लेकिन मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, बस भीख मांगने की कमी बची है। दूर के रिश्तेदारों ने गले में बांध दिया, सब लोग कह रहे थे अरे फिल्म वाला है करोड़ों कमाएगा, लेकिन आज तक इसे थिएटर भी नहीं दिखाया, फिल्म तो छोड़ो। हेलो राइटर साहब, सुबह हो गई, उठ जाइए। क्या हो गया? अरे उठो। अरे यार। हाँ सुबह हो गई पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हमारी जिंदगी से अंधेरा कभी नहीं हटेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? काली चाय मिल गई बहुत है, दूध वाले ने भी दूध देने से मना कर दिया, कहा पहले पुराना हिसाब क्लियर करो, और करंट वाला भी बहुत बड़ा शॉक देकर गया है, फ्यूज निकाल कर ले जाएंगे कहा है। सुनिए जी, जितना हम पानी नहीं पीते उससे ज्यादा तो आंसू बहाते हैं हम। क्या डायलॉग बोला है? जल्दी से लिख लेता हूँ। मेरा दर्द तुम्हें डायलॉग लग रहा है? डैडी स्कूल फीस नहीं भरेंगे तो स्कूल से निकाल कर मुझे घर भेज देंगे। सुन लिया? अगर आपने उसकी फीस नहीं भरी ना तो जितनी कहानी लिखी है किलो के हिसाब से बेच दूंगी। अरे ऐसा मत कहो ना, ये हमारी बदकिस्मती नहीं अच्छी किस्मत है। बहुत अच्छी किस्मत है, लेकिन आपने जो भी लिखा है ना उससे एक चॉकलेट तक खरीद नहीं पाए। जो बोझ उठाते हैं उसे पति कहते हैं, पर नहीं यहाँ तो उल्टा है। पापा आपका फोन आया है। हेलो प्रोड्यूसर सर, कैसे हैं सर? हाँ सर, अरे कर दिया सर। सर जैसा आपने कहा वैसा ही, एक्सेलेंट स्टोरी है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ सर। नमस्ते सर। ये लो। खाना नहीं बनाया? अरे दोपहर में खाना बनाऊंगी ना, ये चटनी ये मसाला किसी महान इंसान ने इसकी खोज हमारे लिए तो की होगी। अरे लगता है सुबह सुबह को याद कर रहा है हमें। हमें कौन याद करेगा, इस घर का मालिक ही होगा। कहीं बाहर तो नहीं खड़ा है ना, जरा पकड़ो इसे।
हे भगवान, बचा लिया तूने। सर, हाँ, रोज बिल्ली की तरह भाग जाते थे ना तुम, इसलिए आज मैं कुत्ते की तरह खड़ा हूँ यहाँ पे। सर, चार दिन में दे दूंगा ना सर। चार दिन से यही तो बोल रहे हो। ये जो घर के मालिक होते हैं, उनके सर पे बाल क्यों नहीं होते पता है? क्यों सर? तुम्हारे जैसे किरायेदारों के रेंट नहीं देने की वजह से। आई वॉन्ट माई रेंट। सर, अभी कहानी सुनाने जा रहा हूँ सर, एडवांस मिलते ही फर्स्ट आप ही को दे दूंगा। मुझे ये कहानी अब और मत सुना। अगर शाम तक तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हारे घर पे ताला लगा दूंगा, फिर पूरी फैमिली प्लेटफॉर्म पे दे देगा। गारंटी सर? श्योर? हाँ श्योर सर। तो जा। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे खानदानी महाराजा श्री राजा विजेंद्र भूपति को मेरा प्रणाम। दादाजी, बेहिसाब दौलत और शोहरत तो दी आपने, लेकिन इस खानदान की इज्जत अब मेरे हाथ में है और मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपकी इस कमाई हुई इज्जत को बरकरार रख पाएगी, और ये मेरा वादा है आपसे। क्या बात है, कॉलोनी की सारी औरतें एक साथ किटी पार्टी का चंदा लेने आई हो क्या? तेरा पिंडदान करने आए हैं। तू मेरी बेटी से प्यार करता है? इनको कैसे पता चल गया? तू मेरी बेटी से शादी की बात कर रहा था। हेलो, धोखा देना गलत है, शादी करना कहाँ से गलत हो गया? इसका मतलब एक बच्चे की माँ से शादी करोगे? हेलो भाभी जी, गले में मंगलसूत्र नहीं था, पैरों में बिच्छन नहीं था, तो कोई क्या समझेगा? ट्रेंड है बाबू, ट्रेंड। फॉलो ट्रेंड को नहीं, ट्रेडिशन को करना चाहिए। बकवास बंद कर अपनी। लड़की चाहिए, एक क्वार्टर की तौका नहीं। क्वार्टर? बैकग्राउंड नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, तुझे लड़की चाहिए। हेलो, हल्के में मत लो, हमारी जमींदारों की फैमिली है। अगर आईना कॉलोनी में आई लव यू कहा ना, तो मंगलसूत्र पहनाने के लिए हाथ नहीं रहेंगे, सात फेरे लेने के लिए पैर नहीं रहेंगे, और सुहागरात बनाने के लिए। अरे कामेंद्र भूपति, क्या बोला था, करोड़पति है हम लोगों का फैमिली। अरे रोडपति है हम लोग। तुम्हारी वजह से मुझ जैसे राजा आदमी को कैसी कैसी औरतें कुछ भी बोल देती हैं। ची 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 ची। अरे कोई ढंग का आदमी होता ना तो पोते पोते के नाम पर लिख कर जाता, पहली बीवी को कितना देना है, दूसरी को कितना देना है, सब कुछ डिटेल में लिख कर जाता। लेकिन तूने पूरे गाँव में बांटा, तुम्हारी विल में कॉमा कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। तूने जो रंग रलियां मनाई है ना अपनी जिंदगी में, उसका इंस्टॉलमेंट मुझे भरना पड़ रहा है। तुमने तो अपनी जिंदगी मजे से जी ली, यहाँ पर एक टाइम का खाना खाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। ये ऊपर वाले, बस एक लड़की दे दे प्लीज। अरे वो कोई काम नहीं करेगी तो भी चलेगा, काम तो मैं कर लूंगा। भाई क्या मस्त खूबसूरत है ये। सच में एक खूबसूरत मूर्ति की तरह। ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, ये तो अजंता की मूर्त है। ए सुनना, चलती है क्या? मैच का कितना? 2020 का 10,000, टेस्ट का 25,000। तेरे साथ तो टेस्ट मैच खेलने में मजा आएगा। एक मिनट दे दे, इनके साथ डील फाइनल करता हूँ। ये सुन रे, इससे अच्छी लड़की बाद में कहीं नहीं मिलेगी। आज हमने जितना भी लूटा है ना, वो सारा कैश बाहर निकाला। ये लो 25,000 पूरे लो। ओपनिंग मैं करूंगा। अरे तू जीरो में आउट हो जाएगा, ओपनिंग मैं करूंगा। अरे चुप करो, कोई गेम खेल लो, जो जीतेगा वो चौका मारेगा। अरे वाह, क्या सुपर हिट आइडिया दिया है, चलो ताली बजाते हैं। अकड़ पकड़। अरे यार सब लोगों ने एक जैसा ही किया रे। चलो चलो एक बार और करते हैं। अकड़ पकड़। अरे यार फिर से एक जैसा ही किया। ए, मेरा नंबर लग गया। कम ऑन बेबी, मैं आ रहा हूँ। पर बेबी कहाँ है? अरे बेबी भाग रही है, वो देखो, चलो पकड़ो उसे। ये रुक रुक। आइडिया। चलो। अच्छा, अरे वो फिर से जीत गई यार। सच में? अच्छा।
आई एम द विनर। ऑडियो तुम लोगों ने सुना ना? ए, ऐसे कोई बेट लगाता है क्या? तुमको जरा भी डर नहीं लगता? ये लॉकेट है ना, मेरी दादी ने बहुत पूजा पाठ हवन करके मुझे दिया है, तो फिर मुझे किस बात का डर? तो क्या तू शर्त के लिए इतना रिस्क लेगी? माँ रिस्क लेती है तो बच्चा पैदा होता है, उसके सामने ये सब क्या है? लाइफ को हमेशा लाइटली लेना चाहिए, ठीक है ना? चलो चलो जल्दी निकालो। ये घर मेरे अंकल का है, लेकिन तू हॉस्टल की तरह, अरे रेंट देने के नाम पर तू ऐसे पैसे छीन रही है सबसे। इसीलिए आगे से मुझसे बेट मत लगाना। देखना, एक दिन बेट में मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी, ये मेरी लाइफ का एम्बिशन है। नो वे, बॉयफ्रेंड को बॉडी दिखाकर जो पैसा लेती हूँ, ये सारे पैसे मुझसे छीन लेती है। एक दिन कोई आकर इसका सारा पैसा चुरा लेगा। अरे बाप रे, किसी ने देखा तो नहीं? पैसे कहाँ छुपा के रखा होगा? घर में दरवाजे बहुत हैं। ये, अरे बाप रे, खुल गया। हाँ, सब कुछ निकाल लेता हूँ। इतने पैसे। सुनिए जी, बीमार हो इसलिए नौकरी छोड़ दी, दहेज का पैसा नहीं मिला, इसलिए दामाद जी बेटी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। बेटे के कॉलेज की फीस भरनी है, सासू माँ की आंखों का ऑपरेशन करना है, ससुर जी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, घर कोर्ट केस में फंसा है, जितना पैसा है वो कम पड़ेगा। हम जिंदगी जीना छोड़ देते, हम दोनों जहर खाकर मर जाते, मर जाते हैं जहर खाकर। अरे बाप रे, इसके पास तो दर्द का पहाड़ है, मेरा दिल नहीं पिघला, पिघलना चाहिए, नहीं तो फिर इंसान होने का मतलब क्या है? सब वापस रख देता हूँ। तुम लोग खुश रहना। दिख रहे हैं, ये सारा नाटक टीवी पे हो रहा था। मैं जबरदस्ती इमोशनल हो गया। उन पैसों और गहनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भविष्य बताऊंगी, जो है वो सच बताऊंगी, जो नहीं है वो सच बताऊंगी, भविष्य बताऊंगी। किसको अपना भविष्य देखना है क्या? छह महीने पहले 3 महीने में मेरी शादी हो जाएगी कहके 500 रुपए लिए थे। अरे शादी तो छोड़ो, कोई लड़की वाला देखने तक नहीं आया। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया। बाप रे, ये पागल कैसे आ गया? इससे पहले मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? भविष्य बताऊंगी बोला था। तो वही तो बताया मैंने, तुमने सच मान लिया तो मेरी क्या गलती है? भविष्य बताऊंगी। नंबर टोपी बाज निकली है तू। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है, इससे बचना मुश्किल है। एक बार शनि पकड़े तो छूट जाता है आदमी, लेकिन ये पकड़ ले तो नहीं छूटता। हे भगवान, लगता है चला गया। भगवान आपने मुझे बचा लिया, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। हाँ चला गया वो। कब का चला गया वो? अरे बाप रे, तू डर गया? तुमसे मैं तो क्या, सारे ग्रह भी डरते हैं। भगवान ने जन्म कुंडली ही ऐसी बनाई है। क्या गुरुजी, आप ऐसे बोलोगे तो थोड़ी चलेगा। अरे भाई, मैंने तेरे लिए आज तक कितने रिश्ते देखे, 100 झूठ बोलकर शादी करवाना चाहता था, तेरे लिए मैंने इतने झूठ बोले हैं कि सच बोलना भी भूल गया, लगता है मंत्र भी भूल जाऊंगा। देखो, कश्मीर से लेकर कन्या कहने से कन्या नहीं मिलती। तू इस जन्म में चाहे जो कुछ भी दान कर दे, चाहे जितने पुण्य कर ले, तुझे कोई भी बाप अपनी लड़की नहीं देगा, नहीं देगा। गुरुजी ऐसा मत बोलिए ना गुरुजी। देखिए, शादी में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो शादी टूट जाती है। शादी के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाए तो लड़की अकेली हो जाती है। ये भी ओके। आप सब कुछ होने के बाद भी छोड़ देती है ना, ऐसी मुझे तो चलेगी, आप बस दिखा दीजिए। ऐसा मत देखिए ना गुरुजी, शादी नहीं हो रही ना तो सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। मेरे लिए रिश्ता देख देख के मेरी सांस फूल रही है। गुरुजी क्या हुआ रे? फोन आ रहा है। फोन है क्या? तू दूर जा। हेलो, हाँ मैं गुरुजी बात कर रहा हूँ। क्या लड़की है क्या? रिश्ता देखना है? अर्जेंट है क्या? हो जाएगा। एक लड़का कमाल का है, बिल्कुल रॉक स्टार की तरह। आप व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर करो, लड़की की लाइफ में लड़के को शेयर कर देते हैं। ओके, रखो 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 फोन रखो। अरे लगता है तेरी स्टोरी का शुभारंभ हो गया। हेलो ची, अच्छा नहीं लगा। हेलो ची, तू ची
राजा। अरे थाम ले, बैठ जा और थोड़ा ठंड रख। घर तो बहुत अच्छा है, लड़की कहाँ है? आती होगी। अरे क्या कर रहा है दरिद्र कहीं का? नमस्कार जजमान, आज का योग तो बहुत ही उत्तम है। पहले कहियो कि लड़की को। हाँ जरा लड़की को बुलाइए। सुनो लड़की को लेकर आओ। वाह कंट्री कला। कन्या तुम्हें संगीत आता है क्या? गुरुजी अभी संगीत की बात क्यों कर रहे हैं, गाना वाना तो फोन पे हो जाएगा। अरे फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना। सुनो बेटी तुम्हें क्या आता है? कुछ भी नहीं आता क्या? ये वो नहीं है। ये वही है। 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 ये वही है। हाँ वही है। वो काला कर दिया, वो काला कर दिया। क्या किया तूने? चैटिंग मीटिंग डेटिंग करके ऐसी उल्टी आती है। हमने भी किया है लेकिन ऐसी उल्टी नहीं की। अरे कैसी बात कर रही हो, वो लोग सुन लेंगे। सुन लिया, वक्त से पहले ही कोयल कुकू कर दी है। क्यों? क्या हुआ गुरुजी? लड़की को डेटिंग के बाद वोमिटिंग हो रही है। मतलब अब मुझसे शादी करवा देंगे? तो किसी और की जूठन खाएगा क्या? ये 3 महीने के पेट से है, इससे शादी करेगा? क्यों ना करूं और क्यों नहीं करनी चाहिए? लड़की का भविष्य क्या होगा? लड़की के साथ जिसने पाप किया उस पापी को बोलना चाहिए। इस मासूम सी लड़की का क्या दोष है इसमें? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इससे शादी करूंगा। पेड़ चाहे किसी ने भी लगाया हो, उसे पानी मैं दूंगा। कितने अच्छे इंसान हैं, महान लोगों के बारे में सुना था लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो देर किस बात की, चलो शादी करते हैं। नहीं जी ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों? आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। क्या मुसीबत? किसी और का दाग मैं आप पर। अरे दाग बाग छोड़ो, वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। नहीं सेकंड हैंड फैमिली के लिए रिपेयर ज्यादा होता है। आप राम जैसे आपके लिए सीता होनी चाहिए। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं आपको सूट नहीं करूंगी जी। मैं सनी लियोनी का फैन हूँ। अरे अरे आंटी अंकल, अरे ये तो, अरे सुनिए ना, ये माजरा देखकर तुझे समझ में आ रहा है? तेरे टाइम को टाइफाइड लग गया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा गुरुजी? गम गलत करते हैं। I like it. We will have it. गुरुजी, I am also a bachelor. इसलिए मेरी नहीं हो रही ना? Yeah. Okay. डॉगी से सावधान, मतलब अंदर माल होगा। बाहर तो डॉगी का बोर्ड लगा हुआ है और नॉक करने पे इंसान कैसे बाहर आया? कौन है रे तू और क्या बोल रहा है ये? पेपर वाला हूँ मैं। अरे बेहोश हो गया बाबा, काला सोना, लगता है यहाँ अच्छी कमाई हो जाएगी। सुनिए, अरे सुनिए। सर सो रहे हैं? सो गए, इस समय सो गए? रात भर आपने सोने नहीं दिया ना, इसलिए जलेबी भाई। जलेबी भाई? पर तुम कौन हो? चोर हूँ। चोर 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 चोर। बंदर की तरह उछल रही हो, फिल्मों में चोरी नहीं देखी है क्या तुमने? कितने शातिर तरीके से चोरी करते हैं, तुम्हें क्या लगा घर में चोर नहीं आएगा? देखो ना तुम्हारे पति जी वहाँ सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ ना। मैं नहीं सोऊंगी। सो जाओ। नहीं सोऊंगी। मुझे जवाब देती है, रुक जाओ बताता हूँ। ये ले, ये तो बहुत जल्दी गिर गई। अरे थोड़ा वेट कम कर। अरे देखो देखो गौर से देखो, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। गोली चला, गोली। अरे अरे वो दिख रहा है, मार डालो उसे जल्दी, मारो। अरे मारो मारो उसे, अरे वो आ रहा है, मारो उसे। लेफ्ट लो लेफ्ट लो, अरे बोला ना लेफ्ट लो, नहीं नहीं राइट लो राइट लो राइट लो, जल्दी राइट लो। अरे लेफ्ट लो, अब लेफ्ट लो, अब लेफ्ट लो, लेफ्ट लो लेफ्ट लो, जल्दी लेफ्ट लो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, लेफ्ट में आगे बढ़ो, लेफ्ट लो लेफ्ट लो। अरे क्या कर रही हो पबजी, मारो मारो उसे। चाबी कहां है? कौन सी चाबी? अलमारी की, अलमारी के ऊपर। okay. मार मार अच्छी तरह मार। अरे आगे देख, आगे बढ़ यार, क्या करिए। अरे अरे अच्छी तरह देख, वो जा रहा है, आगे बढ़ मार उसे, मार ना यार, गन ले ले पूरा तक खेल रही है। अरे वाह अब ठीक है, हिलना मत बिल्कुल भी। अरे लेफ्ट 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 लो, अरे मार ना, अरे क्या करिए, मार ना उसे। कितनों को मार दिया? 4 को मारा। आज जीतूंगी ना तो चिकन खाऊंगी। भूख लग रही है क्या? ये लो खा लो। थैंक यू और थोड़ा सा खाओ। अरे अरे थोड़ा संभल कर, छोड़ो छोड़ो, लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाओ। तुम्हें ये गेम बहुत पसंद है क्या? अरे ये गेम, मैं इसकी दीवानी हूँ, पागल हूँ। आई लव पबजी, आई लव पबजी।
बच्ची पबजी में डूब चुकी है। पता नहीं कितने लोगों को कहानियां सुनाता फिरूंगा, मेरी लाइफ की कहानी का पता नहीं क्या होगा। मेरा दिमाग खराब मत कर, जो बोला है चुपचाप जाके वो कर। ओके सर। पांडू। ए नंदी, 5 मिनट रुक, आया। हाँ। आप कौन? राइटर। इस फिल्म का? नहीं नहीं, आने वाली फिल्म का। ए, चाय इसी फिल्म वालों को देना रे। कहाँ से आ जाते? ए, सेट वाले जल्दी करो। ए पांडू। क्या भाई, कैसे हो? मैं ओके हूँ, पर कहानी पसंद नहीं है। क्यों, क्या? जहाँ भी जा रहा हूँ हॉरर मांग रहे हैं। ये रोमांस, फैमिली ड्रामा या ऐसा कुछ हो तो मैं लिख सकता हूँ, पर ये हॉरर कैसे लिखूँ यार? अरे अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में मत ला। हर एक सुपरहिट फिल्म के पीछे 100 फिल्मों की कॉपी होती है। सर मैं तुम्हें कुछ फिल्मों का रेफरेंस दूंगा, वो देखने के बाद तुम्हें अच्छा आइडिया मिलेगा, देखना। कॉफी क्या सर? मला नको, माफ कर भाऊ। ठीक है मग। अगर ये घोंचू लड़की पटा सकता है तो मैं तो पटा ही सकता हूँ। ओके। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना, यहाँ पर कुछ बात बने। अरे सासू जी। नाइस। मैं तेरे लिए ओके ना? तो ठीक है, पैसे भर कर आ जा। कैश काउंटर कहाँ है? क्या देख रहे हो, आना। अब उसके लिए नहीं आया हूँ मैं। फिर क्यों आया? नारियल तोड़ने के लिए? नारियल तोड़ने? अरे तुझे नई जिंदगी देने आया हूँ मैं। सिर्फ रोटी के लिए तुम्हें अपने जिस्म को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें इस अंधेरे से भरी जिंदगी से दूर ले जाने आया हूँ। समाज में तुम्हें मेरा नाम मिलेगा। रुक, रुक, रुक। बचपन से ही शरारत करती आई हूँ, पढ़ाई तो की ही नहीं, समझ में आए ऐसा बोल। वो क्या है ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? महीने में कितना कमाते हो? इधर उधर हाथ मार के 15,000 महीने का कमाता हूँ और किंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अरे बाप रे, मैं इधर उधर गिरकर महीने का 1.5 लाख कमा लेती हूँ। इधर मर्दों का बोझ उठाने वाले मिलेंगे, मंगलसूत्र का नहीं। मेरा समय बहुत कीमती है, जल्दी आ जा। अरे क्या हुआ, पैसे भर दिए ना? मैंने पैसे दिए थे तुम्हारा दिल जीतने के लिए, तुम्हारा जिस्म नहीं। बॉस, इस धंधे में आए 2 साल हो गए, पहले क्यों नहीं आया? मैं भाग कर आ जाती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुझे अच्छी लड़की मिलेगी। लड़की हमारी है, हमारे पास भेज दे। प्लीज हेल्प मी। ए, थैंक यू प्यारे राउडी बॉयज, तुम्हारी वजह से मुझे लड़की मिल गई। तुम दूसरी देख लो। ए, रुक जा, 1 घंटे के बाद छोड़ देंगे। अबे मैं उसे जिंदगी भर साथ रखने की बात कर रहा हूँ और तू घंटे की बात कर रहा है। भैया बोल रही है, भैया बोल रही है, वो भैया बोल रही है, भैया बोल रही है वो। भैया बोल रही है वो, हाँ भैया बोलेगी। शादी के बारे में सोच रहा हूँ मैं और वो।
थैंक यू भैया। भैया ऐसी सिचुएशन में हीरोइन हीरो को कभी भैया बोलती है क्या? अरे सेकंड हीरो को भी भैया नहीं बोलती। सॉरी भैया। अरे ये भैया भैया करके। ओके बहन, सिस्टर, तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो मैं? नहीं है भैया, एक एक के दो दो तीन तीन बॉयफ्रेंड्स हैं। एची जा 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 भाग। हर एक बंदा रिलेशनशिप में है और पता नहीं मेरे नसीब में एक लड़की नहीं है। तीन दिन से देख रही हूँ, ये इंसान घर के बाहर जाता ही नहीं, पिक्चर देखता रहता है बस। हेलो राइटर साहब, उठिए जरा। छी, तेरी कोई जिंदगी है क्या? तेरे पास ना तो शर्म है, हया है, ना ही मोहब्बत है और ना ही फिल्में। बात कर मुझसे। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कि भूत देख लिया? ये लो चाय। दादी चॉकलेट। बेटी को चॉकलेट भी नहीं दिला सकते हो? कैसे पिता हो? पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? क्यों किया? क्या मैं आपसे बात नहीं करती? आएगा आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आना तो पड़ेगा ही उसको। आज मैं तुझे छोड़ू ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? मकान दो तो भगवान, रेंट मांगो तो शैतान दिखता है। दिखाता हूँ आज तेरी। ओह माय गॉड, वो देखो। मुझे छोड़ दीजिए, कोई मेरी मदद कीजिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, जाके बचाइए ना। अरे हम कैसे बचाएंगे, वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसके पास गए तो हम ही को मार देगा। तू ऐसे गुस्से में क्या देख रही है? दीक्षा बैट लगाते हैं क्या? ऐसे टाइम पर बैट लगानी है? दम है तो लगा। बोल, उस गुंडे को रोक कर उसे बचाना होगा। 10,000 का बैट। मैं रेडी हूँ। अरे ऐसे कोई बैट लगाता है क्या? लाइफ में रिस्क तो होना चाहिए ना, देखते हैं कैसे फेस करती है। बहुत अकड़ है, अब पता तुझे बचाने कौन आएगा? छोड़ दो। हेलो, मैं 6 महीने से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और तुम इसके पीछे पड़े हो? बताओ ज्यादा खूबसूरत कौन है, ये या मैं? पूछना क्या, तू तो एकदम कमाल है। तो उसे क्यों पकड़ा है, छोड़ो उसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 9962465866 ये मेरा नंबर है, कल कॉल करना, इवनिंग में कॉफी पियेंगे। बाय। चुपचाप निकाल। अरे तूने नंबर दे दिया? मेरा नंबर नहीं है वो, इसका नंबर है। हाँ? पागल हो गए? नवग्रह पूजा करवानी पड़ेगी, राहु दोष की भी पूजा होगी, काल सर्प की पूजा करवानी पड़ेगी, इसके साथ नगर दोष की भी पूजा करवानी होगी। कोई तो दोष है जो तेरे साथ धोखा कर रही मुझे? है अगर ये पता लगाना है तो तुम्हें किसी से मिलना होगा। बेटे, क्या तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं? हाँ स्वामी जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप भी मुझे इस समय भूत जैसे दिख रहे हो। यही समस्या है स्वामी जी। हम दुनिया को जैसे देखेंगे दुनिया वैसे ही दिखेगी। जाओ जाओ। मुझे देख। मैं दिख रहा हूँ या भूत दिखाई दे रहा है? स्वामी जी आप ही दिख रहे हो मुझे। स्वामी जी मतलब मुझे भूत ने छोड़ दिया है ना? तुम भूत के नहीं भ्रम के शिकार थे। भ्रम, तुम उस भ्रम से बाहर आए हो। स्वामी जी थैंक यू। स्वामी जी जी नमस्ते। स्वामी जी वाल्मीकि जी ने चोरी छोड़ के रामायण लिख दी, मैंने चोरी छोड़ी ना तो सबसे पहले अपनी बायोपिक लिखूंगा। तुम्हारी समस्या क्या है बेटे? बीमारी देखकर जो इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं,
इंसान को देख के जो बीमारी बता दे उसे स्वामी जी कहते हैं। और तुम चोर हो। पकड़ लिया हा? जो चुराया उसे सामने रखो। सॉरी स्वामी जी, यही मेरी समस्या है। जो देखता हूँ वो चुराने का मन करता है, और ये देख के जनता मुझे मारती है। पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर की वजह से ना मुझे भूख लग रही है, ना पानी पीने का मन कर रहा है। रोमांस करने जाता हूँ तो फीलिंग ही नहीं आती है। ये तो फर्स्ट हाफ ही है। तो फिर सेकंड हाफ कैसा रहेगा स्वामी जी? तुम भूत बंगले में बंदी हो जाओगे। न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी होगा। इतना भयंकर रहेगा तो फिर एंडिंग कैसी होगी? अगर एंडिंग पता चल जाएगी तो तू बोझ नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल नहीं। इसका कोई ट्रीटमेंट है स्वामी जी? तो जैसे चोरों के लिए वक्त ही ट्रीटमेंट करता है। गॉड इज ग्रेट। सॉरी पंडित जी। फिर से चुरा लिया? फिर से पकड़ लिया। चलता हूँ स्वामी जी। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मेरा नाम प्रेम है, लेकिन मेरी जिंदगी में प्रेम ही नहीं है। नाम में जो प्रेम है वो जिंदगी में नहीं है। जिस लड़की की कोई औकात नहीं वो तुझसे शादी करने से इनकार कर रही है। हाँ स्वामी जी, मैंने क्या पाप किया है स्वामी जी? तुमने कोई पाप नहीं किया है बेटा। तुम्हारे पितरों ने जो पाप किया था उसी का श्राप तुम्हें लगा है। बड़ों की सिर्फ जायदाद नहीं, उनके पापों को भी बांटना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, फिर भी हमारे शास्त्र और पुराण ग्रेट हैं। आखिर मैं तुम्हारा पागलपन खत्म कर। और मेरे पागलपन का क्या रे? तू फोन स्विच ऑफ करेगी तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? चल हम अपना पागलपन करते हैं। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ। ये मुझे मारती है तू? दादी, आपके लॉकेट ने मुझे बचा लिया। सच में अगर लॉकेट नहीं होता तो जिंदगी में मजे के बिना मर जाती। कहते हैं इंसान की इच्छा पूरी ना हो तो भूत बन जाते हैं। ए, चुप करो, इस जमाने में भूत प्रेत की बात कर रही हो? नॉनसेंस। ये क्या, तू फिर से लाल पीली हो रही है? तुम्हें लगता है भूत नहीं होते हैं? जी नहीं। तो चलो बैट लगाते हैं। अरे अभी तो जान बची है और फिर से बैट की बात। ए, तू चुप कर, तू बोल। तुझे भूतों पर यकीन नहीं है इसीलिए एक रात शमशान में गुजार कर बता। अगर डर के मारे तू वापस आ गई तो जितना पैसा मैं हारी हूँ तुझे सब लौटाना होगा, और फिर कभी दोबारा बैट की बात मत करना। ओके डन। अरे तू एक लड़की है, खूबसूरत है, रात में अकेली घूमेगी तो कोई तुझे छेड़ेगा। उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? डेविल्स यूनिफॉर्म। मैं राजघराने से आया हूँ तो दरवाजा खुला होना चाहिए। अरे दादा, कहाँ गए दादा? बस तुम्हारी वजह से मेरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे यहाँ पर ना जो लोग है ना वो एक्सीडेंट से मरे होंगे, हार्ट अटैक से मरे होंगे, लेकिन तू तू एड्स से ही मरा होगा, मुझे पता है। छोटी दादी है? बड़ी दादी? अरे स्मशान घाट में भी तुमने सेटिंग करके रखी है और मेरा क्या? मिट्टी के अंदर दबने के बाद भी ऐसी आवाजें कैसे आ रही है? मेरी शादी नहीं हो रही और ये अंदर जाने के बाद भी ये सब कर रहा है। कामदेव, तू स्वर्ग जाएगा ना तो भी वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगाएगा, क्योंकि वहाँ भी किसी को छोड़ेगा नहीं ना। और अगर नर्क में गया ना तो वहाँ भी नो एंट्री का बोर्ड होगा। तुरंत तुरंत थोड़ी देर सो के तुझे मारता हूँ। सुनिए जी, ऐसी कोई कहानी लिखो जिससे हमारी जिंदगी कट सके। मैं कर्जदारों के ताने नहीं सुन पा रही हूँ। जल्दी कुछ करो वरना हमारे बच्चे को लेकर मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी। अरे भूतों की फिल्में देखकर दिल नहीं भरा? जो भूतों की कहानी लिखने के लिए स्मशान जाएगा डर से मर जाएगा। डर की सोच भयंकर जगहों पर ही जन्म लेती है। अरे यहाँ पर तो कोई मरा है, ये जगह सही है। अरे बाप रे, ये बड़े चोरों को छोड़कर मुझ जैसे छोटे मोटे चोर के पीछे पड़ जाते हैं। शमशान, पुलिस से बचने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। यहाँ कोई नहीं आता,
आज की रात मेरी फर्स्ट नाइट है। अरे बाप रे, शमशान में कितनी शांति होती है ना। ये कब्र तो बेड की तरह लग रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। शमशान निशब्द है, एकदम डरावना, दिल की धड़कनें तेज हो जाए उतना भयानक। नीले आसमान को सफेद चांद निगल रहा है, आग की लपटें हवा में तब्दील हो रही हैं, अजीब सी आवाजें आ रही हैं। इन सारी समाधियों के बीच एक भूत सफेद साड़ी पहनकर फ्रेम में एंट्री करती है। छन छन की आवाज करती हुई वो आगे बढ़ती है। शांत स्मशान में एक साथ सूखे हुए पत्ते हवा के झोंके से उड़ने लगते हैं। ये आवाज कैसी है? लगता है नीचे दफन हुआ आदमी म्यूजिक डायरेक्टर है। बाप रे, लिखते हुए मुझे ही डर लग रहा है। और उसके बाद छन 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 लाश 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 अरे बाप रे, लाश। चलो जरा इस पे भी हाथ साफ कर लेता हूँ। मिल गया मिल गया मिल गया। 10 रुपया? चलो ठीक है, कुछ तो मिला। एक काम करता हूँ, इसे चंदा देता हूँ, कम से कम अपना अंतिम संस्कार कर लेगा ये। ये ले भाई, अपना अंतिम संस्कार कर लेना। हाँ, चल चल चल, बाय बाय। अरे निकलो जल्दी यहाँ से, भागो रे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यहाँ लाशें पड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? अरे पांडू, मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्मशान आया था, पर यहाँ पर तो एक डेड बॉडी और सफेद साड़ी में एक भूत भी है। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? अरे ये तो सुसु कर रहा है। अरे क्या करूं, इसमें कर ले भाई। अरे बाप रे, भूत पेशाब भी करते हैं, हद है यार। पर ये तो भूत है। भूत? पापा, आपका फोन आया है। पांडू, मैं यहीं पर मर जाऊंगा यार, यहाँ पर तीन भूत है। पांडू, एक काम करना, मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, वो सारी बेच कर पैसे मेरी बीवी और बच्ची को दे देना। अरे बाप रे, भूत है पर खूबसूरत है। तेरी शादी होनी है तो भगवान को जमीन पर आना होगा या फिर भूत को जागना होगा। गुरुजी ने जैसा बोला था ये सेट हो सकती है, क्या पता, देखते हैं क्या होता है। बड़ा खूबसूरत भूत है। अगर पटी भी तो शादी कैसे करूंगा? पहले पटाता तो हूं, ट्राई करते हैं। जय, आज मिलेगी मुझे अपनी। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही तरफ आ रही है, भागो। पता नहीं क्यों मैंने शर्त लगा ली, इस मोटी ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हेलो मैडम, मिस इंडिया, हेलो। नहीं नहीं, अरे ये भूत मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? कहीं ये मुझे भूत समझ के मेरे पीछे तो नहीं आ रहा? ए सुन,
मैं भूत हूँ। मैं भी भूत हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं भी तुझे कुछ नहीं करूंगा। ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये भूतनी ऊपर क्यों देख रही है? सारे रिश्तेदार ऊपर चले गए क्या? मैं खून पीता हूँ और मैं मांस खाता हूँ। मैं चमड़ी उधेड़ देता हूँ। मैं शरीर नोच लेता हूँ। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका। सेम टू यू। पापा आपका फोन आया है। हेलो पांडू, वो तीनों भूत स्मशान के दरवाजे के पास खड़े हैं और मैं पीछे से आ रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, पता नहीं कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से। ये भूत फोन पर बात कर रहा है? छी, इंसान लगता है। पांडू हेलो। सुन सुन सुन, इधर इधर। तुझे देखकर मैं तुझे भूत समझा, मुझे देखकर तू मुझे भूत समझा, तुम दोनों ने मुझे भी भूत समझा ना। मैं भी भूत नहीं हूँ। क्या है? मेरे हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ देखो। नहीं, नहीं, मेरे पैर भी सीधे हैं। देखो देखो, मेरे पैर सीधे हैं। मैं नहीं मानूंगा, इनको विश्वास दिलाता हूँ। अरे ये भी इंसान ही लगता है। भूत ऐसा नहीं करते, ये इंसान ही है। इस ड्रेस में तो कैब वाला भी नहीं रुकेगा, क्या करूं? यहाँ छुप जा, चलो जल्दी जल्दी। वो तो गायब हो गई। भूत है ना, तो जम करते हैं। क्या कर रहा है तू? नहीं तो कहा जम करो। मरवाएगा ये। ये वाला जम्प नहीं, यहाँ से भागते हैं। चलो चलो जल्दी। तुम लोग भी वही सुन रहे हो या मेरी कान बज रहे हैं? ये भूत यहाँ पर बैठी है। मैं तो जा रहा हूँ, भाग जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हम इंसान, इंसान, हम सब इंसान। तुम इंसान हो? मतलब तुम लोग भी इंसान हो? इंसान हो ना, तुम इंसान हो। ये इंसान है, इंसान है, ये भी इंसान। तो हम सब इंसान है ना? हम सब इंसान है। मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ से निकल, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जाती हूँ। अरे कहाँ? अरे बाप रे, दिमाग बंद हो गया यार। चलो हम सब साथ में चलते हैं। हाँ यही अच्छा, यही अच्छा आइडिया। वहाँ पर देखो घर नजर आ रहा है, वहाँ जाकर हेल्प मांगते हैं। अनजान घर में जाना ठीक रहेगा क्या? अरे मैं तो रोज जाता हूँ। अरे मुझे प्यास लगी है। अरे जाकर हेल्प मांगते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, चले जाएंगे। ठीक है आओ ना, हम चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे वो आनी रही है, जाकर। वैसे मैं सिंगल हूँ, आप चाहो तो डबल हो सकता हूँ। चप्पल देखिए मेरी, उतारोगी तो खा लूंगा। मैं बहुत डेंजरस हूँ, मुझसे बच कर रहना वरना लाइफ बर्बाद कर दूंगी। जब तुम भूत थी तो दिल दे दिया, अब जब पता चला कि इंसान हो तो ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या मैं? देखो तुम मुझे अच्छा समझो या बुरा, मैं तो ट्राई करता रहूंगा। ये अंदर चलना, दरवाजे से। अच्छा अच्छा, नहीं खिड़की से जाने की आदत है ना मेरी। बड़े लोगों के घर के बाहर ऐसा ही होता है। दरवाजा खुला, चल लेडीज फर्स्ट। अरे बहुत अंधेरा यार, फैमिली वाले लगता है ना। अंदर चलेंगे। डोर कैसे बंद हुआ? लड़कियां हवा के झोंके की तरह होती है ना, इसीलिए डोर भी बंद हो गया। क्या ये लड़की मुझसे पट जाएगी? तू क्या कोई हीरो है? ए, हीरो नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा हीरो हूं। चल फेंकना बंद कर। एनीबॉडी देयर? एनीबॉडी देयर? एनीबॉडी देयर? एनीबॉडी देयर? तुम्हारे ऐसे बोलने से कोई चलाएगा क्या? मैं बुलाता हूँ, रुक जाओ अभी। अरे अंदर कोई है क्या? अरे सुनिए, कोई है क्या? अरे भंगार बेच रहे हो क्या? अरे स्वेटर,
हाय, आई एम प्राइम दीक्षा। वो क्या है कि नंदी बंदी बंदी नहीं नंदी, एक दिन मैं नंदी अवार्ड लेकर रहूंगा इसलिए रखा। ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं रखा? राइटर पे डायलॉग मार रहे तू? मेरे बाप रे। तेरा नाम क्या है? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सुबह होते ही हम ऑनर को क्या बोलेंगे? वो पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम उसे? इसमें बोलना क्या है, सच्चाई बताएंगे और वो समझ जाएंगे। तब तक हम लोग करेंगे क्या? मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। हाँ ठीक है ना, जाकर आराम करते हैं। मतलब हम सब जाकर आराम करते हैं, बोलो ना। जरूर अच्छा माल मिलेगा, सुबह होने से पहले लेके गायब हो जाता हूँ, मजा आ जाएगा। अरे इस घर के बर्तन भी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? अरे बाप रे, तू चोर है? हे, ओनर आएगा तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना कि चोर है। दो मिनट के अंदर सारा सामान अगर अपनी जगह पर नहीं रखा तो सामान के साथ ही बंगले में गाड़ दूंगा। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा डायलॉग। एक मिनट, अब ठीक है? ठीक है बहन, पहले जाके तू कॉस्ट्यूम बदल, इस सीन के लिए ये कॉस्ट्यूम सही नहीं है। ये तो एकदम फ्रेश लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे सुहागरात के दिन। अब तो जरूर बदलूंगी। पर दूसरे कपड़े नहीं है ना? हाँ वो तो है। एक मिनट, चोर कहीं के, ये लीजिए। चलेगा ना? आप डेविल ड्रेस में भी कमाल लग रही हैं, तो सिविल ड्रेस में तो अच्छी लगेंगी। छी। अरे कविता, तुम मेरी न तेरा हम एक दूजे के। मेरे बाप रे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 58, 59, 60, 61, 62, 63. एक्सरसाइज। इसे एक्सरसाइज नहीं, एक्स्ट्रा बोलते हैं। इसको भी पता चल गया? अरे बाप रे, क्या देखती है ये? खेल खत्म, दुकान बंद। मैं यहां बीच में सो जाता हूं। अरे प्रेम, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी करीब कोई लड़की सो रही है, वो भी इतनी खूबसूरत है। पता नहीं अब तक कहां थी, इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। जैकपॉट ही मिल गया दादाजी। कर दे किस, चप्पल तो नहीं मारेगी मुझे? जिंदगी भर तू इसका रहेगा, हे भगवान करीब आ जा। अभी वो कहां चली गई? ये ट्रैफिक जाम हो गया। अच्छा, ये कैसे हो गया? फिर से ये बीच में आ गया, मैं उस तरफ चला जाता। अब ठीक है। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ मुझे सुनाई दे रही है। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है किसी के रोने की आवाज आ रही है, शायद ऊपर से।
चलो जाकर देखते हैं। चलो देखते हैं। घर तो बहुत बड़ा है यार। पागल है क्या? सॉरी। किसी को बांध के रखा है। ए आओ। ये क्या? अरे बच्ची। oh अरे रुको जल्दी आ। ए आराम से, आराम से। रुको वाटर वाटर जल्दी करो पानी। उठ जाओ। ये टेंशन मत लो, पानी पियो। बेबी ए कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरे लगता है बेचारी गूंगी है। लगता है किसी ने इस बच्ची को किडनैप किया है। किडनैप? तुम्हें कैसे पता? दिख नहीं रहा क्या? जो किडनैप करेगा वो बोर्ड लगाएगा। कहीं से बांध कर इसकी माँ को तो नहीं ले गए? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? कुछ भी बोलोगे। मैनर्स कहाँ से होंगे, चोर है कहीं। ठीक है चलो बेबी चलते हैं। सुबह होते ही बच्ची को पुलिस के हवाले कर देंगे। बस करेक्ट। मैं नहीं आऊंगा पुलिस स्टेशन। अबे चोर, तेरे बारे में नहीं बताएंगे। वहाँ मेरी फोटो होगी ना। तू इतना फेमस है क्या? और नहीं तो क्या। सब बकवास लोग हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। वहाँ पर सो जाओ, ठीक है ना? हाँ बीबी यहाँ पर आराम करो। पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन पटेगी नहीं वो, देख लेना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना, डरना मत। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। ये रात इतनी डरावनी क्यों गुजर रही है? सब कुछ तो ठीक है। सही कहा बेचारी बच्ची। तुम सबका मूड बदलने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊं? सीन शुरू होता है, तीनों सो जाते हैं, कहानी खत्म हो गई। चल सो जा। चल सो जाना भाई, बेकार आदमी। हट, सो जाना। यूज़लेस फेलो। आदे, सो जा। तुम्हें सुनाऊं? तुम क्या एक? नहीं मैं सो रहा हूं ना। अरे प्रेम, तू अपना काम भूल रहा है, डिस्टर्ब किए बिना अपने काम पर लग जा। कितनी खूबसूरत है, अपनी अपनी है। तेरी किस्मत अच्छी है यार, क्या बैकग्राउंड है। ये तो सो रही है। अरे प्रेम, अगर मारेगी तो मारने देना, शायद शादी तो इसी के साथ करूंगा। हे, तुम चीखी क्या? नहीं तो तुम में से किसी ने चीखा होगा। मैंने नहीं। मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। लेडीज वॉइस थी, पक्का तुम ही चीखी होगी। नहीं मैं नहीं थी, तुम तीनों में से ही कोई चीखा होगा। नहीं तुमने। तुम ही लोग थे। क्यों आए हो यहाँ पर? तू बात कर सकती है क्या? पहले तो गूंगी थी। करके बात कर रही थी, अब जबान खुल गई तेरी। ऐसे आँख क्या दिखा रही है? हाँ एक लगाऊंगा ना तो 32 ही नीचे आ जाएगी। आँख नीचे कर। ए, चुप करो, चिल्लाओ मत, बच्ची है डर जाएगी। बच्ची है? इसकी चीख सुनी तुमने? इसकी चीख सुन के तो मुर्दे भी जिंदा हो जाए। छोटी बच्ची बोल रही है इसे। तुम्हें पता है ये तुमसे चिपकने की कोशिश कर रहा था। अरे चुप रहना, जब भी सोने जाता हूँ कोई ना कोई जगा देता, अब ये जगा दी। ओम शांति, ओम शांति। मैं इस लड़की से डीलिंग करता हूँ। हाय बेबी, लुक एट मी बेबी। देखो बेटा, बोलो कौन हो तुम? असली मैटर क्या है? बोलो ना बेटा, बोलो ना, बोलो 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 बोलो। अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं, बोलना। ये हाथ क्यों दिखा रही है? बॉलिंग करना चाहती है क्या? Thank you.
बच्ची हो, बड़ों को ऐसे मारते हैं क्या? गलत है ना? चलो माफी मांगो। माफी मांगने बोला तो मेरे गालों की धुलाई कर दी। यहाँ पर फटी पड़ी और तू लेक्चर दे रहा था। ए, ये सब क्या है? हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। बड़ों को ऐसे मारते हैं? तेरे क्लास टीचर को बताऊं मैं? कौन से स्कूल में हो तू? बहुत अच्छा है ये तो। हेलो। ठीक हो ना? रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ। ए, हिम्मत है तो? फिर से मार कर दिखा, फिर से मार कर दिखा। सॉरी, मैं फिर से उसको देखता हूँ। इस बार तो मैं बार बार ऐसे मार खा के मेरे ऊपर गिरना चाहते हो? अच्छा, तो तुम हैंडल करोगी इसे? तुम लोग हैंडल नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगी? समझ में आ रहा है ना? ये लोग तेरे क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते हैं। एक औरत होकर आधी रात में पराए मर्दों के साथ घूम रही है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं कहती है क्या? तेरी माँ तुझे कुछ नहीं बोलती क्या? वाँ वाँ, क्या बात कर रही है तू? अब इस सीन में हम में से कोई भी इमोशनल नहीं होगा। ए, जाकर रस्सी लेके आ। इसको फिर से बांध देते हैं। मैं कोई जानवर हूँ जो बांध कर रखेगा? अच्छा तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? डैडी आपका फोन आ रहा है, डैडी आपका फोन आ रहा है, डैडी आपका फोन आ रहा है, डैडी आपका फोन आ रहा है। कौन है? तेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। तो इसकी मम्मी कहाँ है? मेरे घर पे। तुम्हारी माँ कहाँ है मुझे कैसे पता? मुझे मेरी आई चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे आई चाहिए, मेरी आई चाहिए। क्या बात बात पे पलट रही है? सच सच बता, कौन है? नहीं तो बहुत मारूंगा। मला मारना है कावेरीला रागेल, मुझे मेरी आई चाहिए, आई चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी नाटकबाज है। ये हमको नचाएगी, कुदाएगी, रुलाएगी, पीटेगी, जो मर्जी वो करेगी। अरे देखना, मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, मजा चखाऊंगा इसे। मैंने कहा ना मजा चखाऊंगा। ए, कहाँ जा रही है? रुक जा, मुझे मारा तूने। हाँ, मैं बताता हूँ अभी तुझे, रुक जा। ए, इधर देख, छिप जाते, इधर देखना। हेलो दर्शकों, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत सुस्वागतम। हमारे इस दुनिया में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं और इन अद्भुत चीजों को हम गाने द्वारा आपके घर लेकर आ रहे हैं। देखिए और देखकर आनंद लीजिए और अपने फीलिंग्स को SMS द्वारा शेयर कीजिए। देर के बिना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आपके सामने आ गई डेयरिंग एंड डैशिंग, एंग्री एंड ब्यूटीफुल, आप सबकी मैरी। मैरी है? अरे मैरी, वी हैव टू बी सॉरी। दीदी, आपका इंटरव्यू लूं? ए, अभी तो कावेरी कहा था ना, अभी मैरी कह रही हो? मैं क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बोल रही है? सवाल मत कर, जवाब दे। छोड़, एक मिनट रुको, जा। ये क्या? ये हटो, 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 पीछे। कैसे बात कर रही है? क्या ऐसे लंगड़ा के चल रही हो? हाँ, मुझे मारा, मुझे मारा तूने। मारेगी? बढ़िया ही मारने वाली। यहाँ क्या कोई नाटक चल रहा है? ये तेरा माइक है ना? हाँ, तू एंकर है, एंकरिंग करने वाली है। जहाँ तू एंकरिंग करती है ना, उस चैनल का मालिक हूँ मैं। तेरी एंकरिंग की वजह से चैनल बंद हो गया, अब मुझे चाय समोसे बेचने पड़ रहे हैं। समोसे ले लो, चाय ले लो, समोसे ले लो, समोसे। तेरी एंकरिंग की वजह से मेरा चैनल बंद हो गया। चल जाके वहाँ बैठ जा, जाके बैठ, बैठ जा, जा। पर यही नाटक करने वाली। अरे चोरू के राजा, कमाल कर दिया, वो तो चुप ही हो गई। और नहीं तो क्या, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने संभाला है, मेरे सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। आप जैसा कोई नहीं। अरे अरे, क्या कर रहा है? मम्मी,
अरे बाप रे, मेरी हड्डियां तोड़ दिए आई मम्मी। नटराज साक्षात शिव रूप है। मम्मी इस राहत ना सही से। अरे तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा मैं। हाँ ठीक है, चुप कर। स्वर मेरा हृदय है, संगीत मेरा प्राण है, नाट्यम मेरा शरीर है और नाट्य मयूरी इस महालक्ष्मी का लक्ष्य है। एक इंसान के अंदर इतने वेरिएशंस। मेरे अंदर भी काफी वेरिएशंस है, देखोगी क्या? अबे तेरे बारे में नहीं, इस लड़की के बारे में बोल रही है। अभी तक तुम्हें समझ भी नहीं आया क्या? ये मेंटल है, मेंटल। पागल लगती है, दिखने में भोली भाली लग रही है। इसके माँ बाप इससे परेशान होकर के हाथ पैर बांध करके कमरे में बंद कर दिए थे। वो तो कहो हमने इसे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद इसे लग रहा है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। बिल्कुल सही बोला तू। जब से आया हूँ देख रहा हूँ कभी मराठी, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी नाचने लगती है, कभी मारने लगती है, कभी तलवार उठाती है, कभी सिर पे चढ़ जाती है। तुझे क्या लगता है हम पागल हैं क्या? अगर ये सब देखना होता तो हम टीवी ना देखते, क्या बोलता है ना? ऊपर से एंकरिंग, नाट्य मयूरी पुरस्कार चाहिए तुझे। भाई तू चुप कर, मैं देख रहा हूँ। रो क्यों रही है? तुझे रोता हुआ देख के लग रहा है जैसे तेरा कोहिनूर हीरा चोरी हो गया हो। रो ले और रो, रो रो के नदियां बहा दे तू। तेरी तो क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है क्या? कौन से नक्षत्र में पैदा हुई है? सच कहूं तो तेरे जैसी लड़की पैदा ही नहीं होनी चाहिए। अगर पैदा हो भी गई तो उसे पेटी में डाल करके ताला बंद करके नदी में फेंक देना चाहिए। अबे ये क्या है? इस सिचुएशन में तुझे रासलीला सूझ रही है, वहां वो हम लोग की पिटाई कर रही है और यहाँ तो अपना मूड बना रहा है। डिस्टर्ब मत कर। क्या सच में भूत होते हैं? इसका मतलब है कि मैं शर्त हार गई। अरे मेरी सुना, यहाँ पर जान जा रही है और तुम्हें शर्त की पड़ी है क्या? तुम्हारी सांसें खींच 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 कर, तुम्हारे चिथड़े कर 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 करके, तुम्हारा खून सर 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 करके पी जाऊंगी। अरे बाबू से भागो। ए, अरे चल चल रही, चल दूसरा भूत आ जाएगी, इधर चल। अरे आजा चल। उधर नहीं, इधर जाना, इधर जाना। तू क्या कर रहा है? कोई नहीं देखेगा। अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है। मुझे पकड़ लो, पकड़ लो मुझे, पकड़ लो, पकड़ लो। चिपकने का एक भी मौका छोड़ता नहीं है। क्या कर रहे थे तुम? भूत है यार। क्या हो गया, क्या हो गया तुझे? अरे यार यहाँ से चलते हैं, चलो चलो चलो। अरे ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। देखो हमने तुम्हारी मदद की है ना, प्लीज हमें छोड़ दो। मदद करते हैं धोखा देने के लिए, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है कोई। आखिर में सगी माँ को भी पैदा करने के नाते खाने का टुकड़ा फेंक देते हैं, समझे? यार के लिए नहीं, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओह माय गॉड, ये लड़की बहुत पावरफुल भूतनी है। सच कह रही हो, मरने से पहले शादी कर लेते हैं। ए, कुछ भी मत बोलो। क्या बना, मेरी हालत को समझो। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। अरे ये नीचे 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 नीचे। अगर इस भूत से डरेंगे तो वो डराएगी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। नीचे खींचो मुझे। डैडी आपका फोन आया है, डैडी आपका फोन आया है, डैडी आपका फोन आया है।
मुझे नहीं पता। मुझे मालूम करना है, मेरे आई बाबा कहाँ हैं? बताओ, बताओ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, पर माँ बाप की महानता के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, बताओ ना। माँ, हर एक बच्चे की एक माँ होती है और बाप उसका चाहे पता ही ना हो। मतलब हर एक बच्चे का एक पिता भी होता है। हाँ, माँ देवी होती है। और पिता? पिता भगवान। और मैं? तुम भूत। तुम देवी हो, छोटी वाली देवी। मुझे उस देवी और भगवान से मिलना है, प्लीज मिलवा दो ना। भगवान और देवी यहाँ नहीं रहते ना, वो तो ऊपर रहते हैं। मतलब मेरे आई बाबा मर चुके हैं? तुमने मारा है क्या? नहीं, नहीं। बोलो, बोलो। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। तुम्हारे बाबा जिंदा है। कहाँ पर है? बताओ। वो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे सगे पिताजी हैं वो। पापा। पापा। मैं। पापा। पापा। थैंक्स भाई, तूने बचा लिया। तू यही बोल रहा है ना? हाँ ठीक है। पापा। बेटा। मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटी, तुम्हारी शादी करवाने के लिए मैं पैसे कमाने के लिए गया था। पापा। हाँ? पापा। हाँ बेटी। मेरे आई कहाँ है? आई चाहिए बेटा। इसने तो मुझे फंसा दिया। हाय मेरी किस्मत। आई। अरे अब क्या करूं? किसे तो बच्चे की माँ बना दिया। देखते जो, ये उसे माँ बना के ही छोड़ेगा। आई आई। और मुझे? और मुझे? आई। ये दोनों कौन है? क्या इन दोनों ने हमें अलग किया है? इन लोगों की तो बेबी, अब तक तुम्हें याद नहीं आया ये कौन है? नहीं। ये तुम्हारे मामा है और ये चाचा है। ए, मामा चाचा उधर क्या खड़े हो? इधर आओ ना। हाँ, बेटी। मामा। अरे मेरी बेटी। वो अपने आप से बात करिए, तब तक हम यहाँ से निकल जाते हैं, वरना कुछ और प्लान करना पड़ेगा। चलो चलो। ओके। बेबी बहुत खेल लिया ना, कल स्कूल भी तो जाना है, चलकर सो जाते हैं। चलो चलना, निकलते हैं यहाँ से। रुक जाना यार, जब वो सो जाएगी उसके बाद हम चले जाएंगे। समझ गया ना? चल ठीक है, क्या बोला उसने? मुझे नहीं समझ में आया, तुझे कैसे आएगा? चल। और उसके बाद कचरे में फेंक दिया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, मरोगे। इसने तो कैरेक्टर बदल दिया। अरे कुछ अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी, अरे जल्दी कर, अरे कुछ कर, अरे कुछ कर, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगी। जल्दी कुछ कर, जल्दी। Wow.
क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। इधर तुमने तो कितना बढ़िया डांस किया है। मेरी बात मानो, अगर किसी विद्वान ने देखा होता तो हाथ के साथ पैरों में हथकड़ी पहना देता। हथकड़ी सोने वाली मतलब। अरे ये क्या जाने, अगर असली डायरेक्टर होते ना तो हर एक भूत के मूवी के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे के सारे बना देते और सारे के सारे में तुम्हें हीरोइन ले लेते, पता है तुम्हें। अरे बोलो। रविंद्र हॉल में प्रोग्राम होता और सुमन को एंकर रखते। सुमन को अगर एंकर रखेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे होते हुए सुमन की कोई जरूरत है क्या? अरे ये क्यों बोला? जल्दी बोलो, मेरी एंकरिंग अच्छी है ना? सुपर्ब, वही तो, फैंटास्टिक, यही तो मैं कह रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग, ऑसम, सैल्यूट है तुम्हें। मेरी क्या एंकरिंग करती है, क्या कहते हैं उसे, कोयल। अरे कोयल की जगह तू कौवे की आवाज निकाल रहा है। उसे क्या पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कितना झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो कब की छोड़ दी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंटरनेशनल एंकर तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। हाँ, यस। इंटरनेशनल ना? अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी जान जाएगी। वाओ, नाइस पेयर। नाइस कपल। तुम दोनों लवर्स हो? यस। वो नो बोल रही है और तू यस बोल रहा है? अरे पूछ रही है, जवाब दो। यस यस। तुम दोनों कब से साथ हो? बस अभी कुछ देर पहले से ही। तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट क्या है ना, कनेक्शन फिट हो गया। पहले हाँ, पहले शादी, उसके बाद सुहागरात, उसके बाद बच्चे। वाओ, व्हाट अ प्लानिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय हाय, आप क्या करते हो? मैं राइटर हूँ, फिल्में लिखता हूँ। ओह अच्छा, क्या क्या लिखा? आधी रात, भूतों की रात, फार्म हाउस में धमाल, और रहोगी या जाओगी, सुबह होगी तो मजा आएगा, ऐसी फिल्में लिखता हूँ। ये फिल्में कब आई? बस आने ही वाली है, थोड़ा राइटिंग बाकी है। वाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया। तो मुरली कहाँ है? घर पे है, लेके आऊँ क्या? रहने दो, तुम क्या करते हो? चोर बोलूंगा तो हवा में उड़ा उड़ा के मारेगी। मास्टर। हा? मास्टर हूँ, मास्टर ही हूँ। मास्टर? मास्टर, मास्टर हूँ एक्चुअली। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। माइक लगाओ ना बेटा, एंकर हो तुम। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए। सच कहूँ तो गुरुकुल में आकर वो मेरा नाम लेकर भजन करते थे, मेरे नाम से प्रसाद तक बांटते थे। ये सब पेपर में भी छपा था, तुमने नहीं देखा? मतलब बच्चों को पढ़ाते हो, गुरु हो तुम? अभी बताया ना तुम्हें, तो फिर क्यों ऐसे पूछी हो कि मैं गुरु हूँ? गुरुदेवो भव का मतलब क्या है? पता नहीं है क्या? मैं हूं ना? मुझे पता है, गुरुदेव भव मतलब गुरु भावना में बह जाते हैं। क्या बोल दिया, समझ गई ना बेटा? मर गया। गुरुदेव भव का मतलब गुरु भगवान के समान होता बदल है। बदल दिया क्या? और तुम गुरु लोग कर क्या रहे हो? मार्क ज्यादा दूंगा पासा, पास करवा दूंगा फार्म हाउसा, रैंक बढ़ा दूंगा रात में आ, लड़कियों को नरक दिखा रहे हो तुम लोग। माँ गलत कर सकती है, बाप गलत कर सकता है, भगवान गलत कर सकता है, लेकिन तुम गुरु कैसे गलत कर सकते हो? बेबी, गुरु पर हाथ उठाओगी? अपनी आई की बात मानो, छोड़ दो। मैं तुम्हारा बाबा बोल रहा हूँ बेटा, नीचे रखो। बात करो ना। बेटा, मेरा बेबी, सुना? चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, वेफर, बर्गर, पिज्जा। पिज्जा? पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। बचपन से एक बार भी नहीं खाया। मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ, मुझे पिज्जा ही चाहिए। पिज्जा। क्या चाहिए बेटा तुम्हें? क्या चाहिए? पिज्जा। पिज्जा चाहिए ना? हम लेके आते हैं। चल ना, चल। थैंक यू मामा जी। क्या बोला तुमने? मामा जी। एक बार फिर से बोलो बेटा। मामा जी। एक बार फिर से और बोलो। मामा जी। मैं एक काम करता हूँ, अपनी भांजी के लिए पिज्जा लेके आता हूँ। आता हूँ अभी। अरे काका जी, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो, ऑर्डर कर सकते हो ना?
हम जाते हैं काउंटर पे ऑर्डर करके आ जाते हैं। फोन पर भी तो ऑर्डर दे सकते हो। इंटेलिजेंट मेरी भांजी। मैं ऑर्डर करता हूँ। ए भाई ऑर्डर करना। हाँ कर दिया। कौन से ऑर्डर कर दिया। थैंक यू पापा। देखो ना बेटी माँ पप्पी नहीं देती। दांत तोड़ दूंगी। माँ पापा को किसी दो। क्या किस कर तो बोल रहे हो। जरा भी इज्जत मान मर्यादा शर्म है या ब्लड प्लेटलेट कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास। नहीं रास लीला और अय्याशी के लिए कोई टाइम वाइम होता है कि नहीं। इतना बेशरम कैसे हो सकते हो तुम। यहाँ पर ये बच्ची हमारी वाट लगा रही है और तुम इसके जरिए इस बच्चे को फंसा रहे हो। बेटी तुम्हारे चाचा जी कुछ कह रहे हैं सुनो। चाचा जी किस कर दो। माँ किसी दो। नो मैं नहीं मानूंगा। चाहे तुम कितने भी कैरेक्टर बदलो मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। अगर पुजारी ये भगवान का प्रसाद खा जाए तो लोग क्या करेंगे। तू इस बच्ची के जरिए इस बच्ची को खाना चाहता है। हा? अरे कमीना कहीं का। बेटा मामा जी कुछ बोल रहे हैं देखो। मामा जी मामा मैं नहीं मामा मामा कह के मुझे डराना चाहती हूँ तेरी तो। मामा जी इतनी मार खाने के बाद भी अकल नहीं। वो देख देखो ना बेटी माँ मुझे पप्पी नहीं दे रही। जाओ दे दो। जाओ किसी दो। जाओ सच में ये बहुत बड़ा कमीना है। नरक में जाएगा। नरक में। ये क्या। ये तो भूखे कुत्ते की तरह खा रही है। आई सॉरी सर बेटी। हाँ। अरे बाप रे 25 साल की लड़की को 15 साल की बेटी ये कैसे हो सकता है। बचपन में ही दनादन कर दिया था। ज्यादा बकवास मत कर। कोई ऐसे कुत्ते की तरह खाएगा तो बकवास ही निकलेगी ना सर। लगता है तुझे ऐसी आदत है। सर मेरी आदत पे ना जाइए। बढ़िया सी रेटिंग दे दीजिए मैं बाहर जाके बकवास कर लूंगा। रेटिंग भी आपको बेबी ही देगी। बेबी बोल के देख। ओके बेबी छोटी बेबी छूती हुई बेबी बात सुनो ना बेबी। इधर देख तू ईटिंग बंद करके मुझे रेटिंग दे दे। अरे यार इस वक्त किसका कॉल आ गया। मैं कॉल लेके आता हूँ तू ढूंढती रहे। हाँ बोलो ज्यादा पैसे है क्या जब देखो मुझे फोन कर देती हो। अच्छा कुंडली मिला रही हो मिला लो देखना 36 में से 37 गुण मिलेंगे। मैं हूँ ही लाजवाब। तीसरा महीना ये बात तुमने 2 महीने पहले क्यों नहीं बताई। कोई बात नहीं जाने दो 4th महीना होते ही निकाल देना। नहीं निकालोगी तो क्या बच्चे को पालोगी उसे रर करके लोरी सुनाओगी उसे जाके कचरे में फेंक दे। चोर अपने आप कैसे बंद हो गया। सर अभी तो शो स्टार्ट होगा। अरे पिज्जा इतना बढ़िया था खाते ही तुम खड़ी हो गई। स्टे ट्यून्ड आई विल बी बैक। मैं जरा पूछताछ करके आता हूँ। बेबी के डैडी बेबी की कंडीशन ठीक है ना। भैया ये बेबी बेबी नहीं है। पागल है उससे भी ऊपर। पिशाच है उससे भी ऊपर। भूत है उससे भी ऊपर। चुड़ैल है क्या उससे भी ऊपर। अब मैं सब समझ गया ये है मोंजलिका। तुम बाल ऐसे तेजी से उड़ाओगी तो क्या मैं डर जाऊंगा। तुम अपना कलर चेंज कर दोगी तो क्या मुझे बुखार आ जाएगा। मेरी आंख में घूर के देखोगी तो क्या मैं अपनी पैंट में सुसू कर दूंगा और कहूंगा दीदी मैंने पैंट में सुसू कर दी है। और अगर ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं एक बार और सुसू कर दूंगा। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं हूँ A1 एक्सप्रेस और शकल हूँ लवली बॉय। पता है इस शहर में जितने भी बड़े बड़े भूत हैं उन्हें भगाने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। इधर देख इधर देख। देख तेरे और मेरे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरे काम पे जा रहा हूँ। तू अपने बालों में तेल लगाओ चोटी बांध के बैठ जा। कहाँ जा रहा है। अरे यार हर बार भूत का सेम डायलॉग होता है सुन सुनकर मैं पक गया हूँ। घूर क्या रही है मैं अभी बताता हूँ। तेरी तो तेरी तो तेरी तो गर्दन मुड़ी नहीं अरे हर बार भूत से दूर से डराते थे पर तुम तो मार रही हो। पर मैं मार तो डरता नहीं हूँ। मैं बहुत बार मार खा चुका हूँ। इस बार भी छोड़ो इसे। Sa
सर्व प्रेत बाधा निवारणाय कटितम अक्षरम निराधम ओम फट। ए स्वामी, तेरे मंत्र से डरने के लिए अकेली नहीं हूँ। चार शक्तियों की मैं महाशक्ति हूँ। कौन है वो चारों? नाजिया, महालक्ष्मी, मैरी, कावेरी। ना तो कोई माँ है और ना ही कोई पिता है, और दुनिया के लिए हम बोझ हैं, इसलिए हमको अनाथ कहते हैं। हाय, ग्रेट एंकर, मैरी इज कमिंग। क्या है तेरी शरारत? ये शरारत नहीं, इट्स माय गोल। अब तुम सबका गोल क्या है जान लेते हैं। बोलो लक्ष्मी जी। मेरी जिंदगी नृत्य है और मैं बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर बनना चाहती हूँ। इस आश्रम और तुम्हारा नाम रोशन करूँगी। ऑल द बेस्ट। और तुम्हारा गोल क्या है नाजिया? मैं बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनूंगी, जो हमारी तरह बच्चों को सड़कों पर फेंक देते हैं उन्हें गोली मार दूंगी। अरे बाप रे, ऑल द बेस्ट। तुम्हारा गोल क्या है? ये कलेक्टर बनना चाहती है। ओके, गुड लक। ये क्या है? आई बाबा मी। और हम लोग? और हम सब? तुम सब लोग मेरी बहन हो। नमस्ते। नमस्ते। लाइए मुझे दीजिए। आप सब लोग ठीक है ना? हम सब ठीक हैं। सबके लिए एक गुड न्यूज है। और वो क्या है? मेरा एक एनआरआई दोस्त है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास कोई बच्चा नहीं है। अब वो किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है। मैं नाजिया को उनको देना चाहता हूँ, आप क्या कहती हैं? ऊपर वाला वरदान दे रहा है तो हम मना क्यों करेंगे? नाजिया, तू बहुत किस्मत वाली है, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम महारानी की तरह जिएगी। आप सबका सपना पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। नाजिया कल सुबह तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। हाँ? हमारा कोई नहीं था, ऐसे में डैडी हमारी जिंदगी में सूर्य उदय की तरह आए। हमारी जिंदगी के सपने पूरे होंगे, हम सब एक नई जिंदगी जिएंगे, ये सपना देख रहे थे हम, बहुत खुश थे। अरे ये क्या है, ऐसे क्यों बैठी हो? नाजिया की फोन का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तुम लोग नाजिया के बारे में सोच रही हो? वो तो देश छोड़कर चली भी गई होगी। क्या वो यहाँ की बदकिस्मती को याद कर रही होगी? वो तो अपनी जिंदगी जिएगी, उसको जीने दो। चलो जाकर सो जाओ। वो जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे, ये हम प्रार्थना कर रहे थे। नाजिया की तरह महालक्ष्मी भी हमको छोड़कर चली गई। ऐसे क्या सोच रही हो तुम? क्या देख रही हो बेटी? ये भी अपना ही घर है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ जाओ। डैडी, वो देखो कौन है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? औरत का शरीर, और मैंने तुम्हारा शरीर उन्हें बेच दिया है। डैडी, भाड़ में गया तेरा डैडी। और तभी हमको पता चला हमारे प्रति उनका कोई प्यार नहीं है, उनका अपना बिजनेस है जो हमें कठपुतली की तरह दूसरों को बेचते हैं। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दिया आपने। डैडी से कहकर आपका काम करवा दूंगा। आपका बहुत अच्छा काम है पार्टनर, अनाथ फूलों को हमारे बिस्तर पर सजा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हो, बहुत बढ़िया। और कुछ दिनों में उस करोड़ों के आश्रम पर कब्जा करके उसे बेच देंगे और मजे करेंगे। बहुत गलत है, वो आश्रम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ऐसे अनाथ बच्चे पैदा होने चाहिए, वरना तुम्हारा क्या होगा? इनकी समाधि पर ही तो हमारा महल बनेगा। पार्टनर, उस रोड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मिनिस्टर का छोटा साइन करवा लेना। छोटी सी साइन करवानी है तो उस मिनिस्टर को छोटी सी बच्ची चाहिए होगी पार्टनर। मेरे फूलों के बागीचे में अभी बहुत सारी कलियां हैं। साहब जी, छोटी बच्ची है, आपकी बेटी जैसी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। साहब जी, उसे छोड़ दीजिए। दीदी,
रखे। ये लोग मुझे मार रहे। क्या हुआ? तू क्या बोल रही है? क्या है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी सहेलियां चली गई हैं, इसलिए तू पागल हो रही है क्या? चल आ जा मेरे साथ। चलो आ जा मेरे साथ। मैं एक बच्ची को लेकर आ रहा हूँ। लगता है ये सब जानती है। इसे गेस्ट हाउस में बांध कर रखना। इसलिए मैं एक आत्मशक्ति बन गई हूँ। बदला लेना मकसद है। सर, आपने जिस लड़के को बंद किया है उसके अंदर भूत आ गया है। सर बहुत ही खतरनाक है सर, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। यही है बचाने वाले ने ही काट लिया हमें। कठपुतली की तरह बेच दिया, हम पर अत्याचार करके हमें मार डाला। अनाथ का मतलब क्या समझता है? जीने नहीं देंगे हम, किसी को भी जीने नहीं देंगे। जो अन्याय हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होगा। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। क्या चल रहा है? ये कुछ भी सुनाई जा रही है और आप इसके साथ हूं कर रहे हो। बांध दो इसको। तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारे लिए सहानुभूति है, परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। आत्मा के लिए इस धरती पे जगह नहीं है। ओम यम क्लीम भूत प्रेत विनाशाय प्रेत बाधा समाप्त। ओम भगवती नमः। ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। बंदी हो जाओ। ओम शांति शांति। बोल अब क्या कर पाएगी? मेरा धंधा फलता फूलता है औरत के शरीर से। मैंने उसके जरिए ही कामयाबी हासिल की है। आश्रम की सभी लड़कियां मेरे धंधे के लिए इस्तेमाल होंगी। ए, छी। अरे अनाथ बच्चों को देखकर तो किसी को भी दया आ जाती है। पिता के स्थान पर तू घिनौने काम करता है। थू। ए, तू इससे क्या बात कर रहा है? एक एक को पकड़ के मारते हैं। कहा नानी याद आ जानी चाहिए। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। ए, क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग? खत्म कर दो इनको। अरे पापी, अब तक जो गलतियां तुमने की, जो पाप करके राक्षस बन गए उन्हें छोड़ दो। असलियत जानने के बाद तुम भी नहीं बचोगे। सर, इसने मुझे कई बार धोखा दिया है, आज मौका मिला है, इसे मुझे देखने दीजिए। सर देख सकते हो। दुष्ट के
एक बाप का घड़ा भर गया है। बिल्कुल सही समय पर आए स्वामी जी, हमें इन भूतों से बचाइए। अहम ब्रह्मास्मि। जो जैसी आत्मा, उसके शरीर को तुम लोग छोड़ दो, नहीं तो ये जो तुम्हारा भला चाहते हैं ये चारों, ये भी तुम्हारी तरह मर जाएंगे। मेरी तपस्या से जो दुष्ट शक्ति मुझे मिली है, उसके सामने तुम कुछ नहीं हो। क्या बात है स्वामी, अगर आप जैसे लोगों का साथ हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। स्वामी जी, अब और देर नहीं करना चाहिए, इन आत्माओं को दफन कर दीजिए। दफन हमेशा लाशों को किया जाता है। तूने जो किया वो पाप है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दुष्ट शक्ति चाहे जो भी कर ले, दैव्य शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। दैव्य शक्ति वो तो कब की खत्म हो गई। क्या कोई भगवान आया है कभी? और मेरे पीछे कितनी सारी शक्तियां हैं देखो। ये कलयुग है, हमारा युग है, आकाश पाताल हर जगह हमारा अधिकार है। गलत है स्वामी, रावण का वध करने के लिए राम आए, कौरवों का वध करने के लिए कृष्ण आए,
और आज यहाँ इन अनाथ बच्चियों की रक्षा करने के लिए बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा होने वाली है। क्या ये आत्माएं हमारे साथ युद्ध करेंगी? दुष्ट शक्ति और आत्म शक्ति का युद्ध तुम जीत सकोगे? और वैसे भी कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? आने के लिए कहो, बुलाओ। बेगुनाह आत्मा जो समय से पहले मर गई, वो आत्माएं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो नहीं चाहती कि ऐसा अन्याय किसी और के साथ हो, इस राक्षस के साथ युद्ध करने आओ। आ जाओ। Shut up!
मेरा फोन, अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ। डार्लिंग अबॉर्शन मत कराना, समझी? किसी बच्चे के साथ ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है, और हम दोनों पापी थोड़ी हैं। मैं आ रहा हूँ, हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं, बच्चे को जन्म देंगे, अच्छे से उसकी परवरिश भी करेंगे, ठीक है डार्लिंग? पापी दुनिया ने तुम्हें जीने नहीं दिया, और बदले की आग ने तुम्हें आत्मा बना दिया। अब शांति से तुम अपनी दुनिया में जाओ। अरे हम कैसे शांति से रह सकते हैं? हमारी जैसी लड़कियों के साथ हर दिन अन्याय होता है, हमारी जैसे अनाथ बच्चे पैदा होते रहेंगे, और ऐसे भेड़िए हमें नोचते रहेंगे। हमारी जैसे अनाथ बच्चों के बारे में सोचते हैं तो बहुत दुख होता है। अनाथ बच्चों के बारे में तुम चिंता मत करो, अब से हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। माँ की जगह मैं लूंगी, और पिता की जगह पर वो रहेंगे। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किस लिए नहीं पूछेगा क्या? मैं जानता हूँ, क्योंकि ये माँ है और मैं पापा। मुझे बीवी मिल गई और मुझे स्टोरी मिल गई, क्या बात है। एक और बात है, आज से मैं चोरी छोड़ देता हूँ और तुम्हें असिस्टेंट ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन 1,00,000 रुपया महीना सैलरी देनी होगी तुम्हें। 1,00,000 रुपए? ये क्या है? ये मेरी ड्यूटी का कॉस्ट्यूम है। फिल्म का टाइटल क्या है? फिल्म का टाइटल अभी बताता हूँ, मंजुलिका 2।